उधर पंजाब के अजनाला टैंकर ब्लास्ट और जलालाबाद में बाइक में हुए धमाकों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी को गौर से देखने के बाद पता चलता है कि यहां किस तरह की साजिश रची गई थी। पंजाब के अजनाला में 8 अगस्त को हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अजनाला पुलिस को जानकारी मिली थी कि अजनाला में एक पेट्रोल पंप पर लावारिस ऑयल टैंकर में आग लगी है। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि इस दौरान कुछ लोग ऑयल टैंकर के पास आते हैं और पेट्रोल पंप के पास ट्रक को पार करते दिखाई दे रहे हैं और रात 11 बजे वो वहां से चले जाते हैं और 11:19 पर ये लोग वापस लौटे और ऑयल टैंकर में कुछ संदिग्ध मटेरियल फिट किया और उसके बाद रात 11:29 पर दो लोग अचानक वापस लौटे, जिसके सिर्फ एक मिनट बाद ऑयल टैंकर में हल्का विस्फोट हुआ और आग लग गई और टैंकर धू धू कर जलने लगता है। इस ब्लास्ट और इस प्लानिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों की कैसे बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश थी। इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा पंजाब के जलालाबाद में बाइक में हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए कैसे यहां से बाइक जा रही थी कि तभी अचानक उसमें ब्लास्ट होता है। उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के माध्यम से लगातार घटनास्थल और जिस बाइक में धमाका हुआ था उसकी जांच की जा रही है। खुद पंजाब पुलिस के आईजी पूरी जांच को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।